तो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ और एक वन पंच मैन का थ्योरी वीडियो लेके। एंड आज का जो थ्योरी वीडियो होने वाला है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी वीडियो होने वाला है अभी तक का। ये क्या बात करता है यार। अभी तक तुम इस चैनल पे जितने भी थ्योरी वीडियो देखे हो ये वाला थ्योरी सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वाली वीडियो में तुम्हें जानने को मिलेगा गॉड का सच्चाई, साथ ही साथ द सीक्रेट बिहाइंड साइतामास पावर एंड बहुत कुछ। एंड हाँ, ये थ्योरी मुझे रेडिट पे मिला है, तो फुल क्रेडिट गोज टू दिस गाय। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। माँ की आंख। डिस्क्लेमर, ये थ्योरी मांगा के इवेंट्स और प्लॉट्स पर बेस्ड है, ना कि वेब कॉमिक या एनिमे पर। मुझे पता है कि स्टोरी शुरू में बहुत ज्यादा कॉमेडिक था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अब ये पहले जैसे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। पहले तो मैं कहूंगा मुझे लगता है कि यूनिवर्स वन पंच मैन का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा डीपर है जितना लोग रियलाइज करते हैं। मैं जानता हूँ कि कम्युनिटी स्टोरी को प्योर कॉमेडिक मान के चलती है और डीपर थ्योरीज से एग्री नहीं करती है, क्योंकि वो साइतामा को बस एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखना चाहते हैं और गॉड को एक इवेल कॉस्मिक बींग मानता है। लेकिन मैं इन लाइंस के बीच में घुसना चाहता हूँ और बहुत डीप जाना चाहता हूँ। मॉन्स्टर्स वर्सेस हीरोज में डिजायर्स, मेरा थ्योरी कहती है कि गॉड पावर्स देता है लोगों को डिजायर्स और उनके डिजायर्स के तरफ एक्शंस पर। क्रैब मॉन्स्टर को क्रैब्स इतने पसंद थे कि वो क्रैब पर्सन बन गया। सुपर कस्टम को सुपर कर्स बनाने का इतना शौक था कि वो मॉन्स्टर कर बन गया। डार्क साइन को साइनी मसल्स बनाने का शौक था, उसके मसल सबसे बड़े और साइनी बन गए। एमआई मस्क फेम और आइडियल बनने का ऑब्सेशन में था और सबसे पॉपुलर आइडियल बन गया। साइतामा को मॉन्स्टर से लड़ने इतने पसंद था कि वो मॉन्स्टर से लड़ने में सबसे बेस्ट बन गया। हाँ, वो लोगों को बचाता है प्रोसेस में, लेकिन कितनी बार वो लोगों की मदद करने के इरादे से बाहर जाता है। यूजुअली वो न्यूज में किसी मॉन्स्टर को देखकर या फाइट्स ढूंढने के लिए निकलता है। उसके सपने भी फाइट्स की होते हैं, लेकिन क्या डिसाइड करता है कि तुम मॉन्स्टर बनते हो या इंसान रहते हो? मुझे लगता है कि ओपीएम में लोगों की डिजायर्स प्रेयर्स की तरह अनुसार होते हैं रिलीजियंस में, लेकिन उनके फेट कैसे डिसाइड होते हैं उनके एक्शन और इंटरनल फीलिंग्स की तरफ डिजायर्स पर डिपेंड करते हैं। अगर ऑब्सेशन ग्रीड एनवी एंगर रेज शॉर्टकट्स ये सब चीज तुम्हारे पास है तो तुमको मॉन्स्टर बना देता है। जिस डिजायर्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं उनको वही चीज बना देता है। दूसरी तरफ अगर वो डिजायर्स हार्ड वर्क मोटिवेशन जॉय हैप्पीनेस या दूसरों की मदद करने का फ्यूल बनती है तो तुम इंसान रहते हो, धीरे धीरे अपने गोल्स डिजायर्स को हासिल करते हो, जस्ट लाइक साइतामा। एंड ये वो ट्रू रीजन है जिसकी वजह से साइतामा अब ये बन चुका है। उसने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर से लड़ना चाहा, एंड ये तब से जब उसने क्रैब मॉन्स्टर के साथ पहली फाइट किया था। ये डीप डिजायर उसको ट्रेनिंग और वर्कआउट करने का फ्यूल। उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिए वहां तक पहुंचने के लिए। बहुत लोग की जिंदगी बचाए बिना किसी ग्रेटिट्यूड मनी या फेम के जरूरत की, कम से कम शुरू में। तो हमारे मास्क एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसका ऑब्सेशन फेम फॉर्च्यून लाइमलाइट को लेकर था, जो उसे कंज्यूम कर गया और उसे मॉन्स्टर बना दिया। लेकिन उसके पावर का एक पार्ट था बींग द सेंटर ऑफ अटेंशन और फेम, इसलिए उसकी पावर इन्वॉल्व करती है बींग एबल टू मॉर्फ और अपनी फिगर को चेंज करने की, ताकि वो एक गुड लुकिंग स्टार बन सके। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मल्टीपल गॉड्स है, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 तो गॉड्स है ही। तो सबसे पहला जो गॉड है वो कम्युनिटी में सभी उसको गॉड के नाम से जानता है, और इसका स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस जुपिटर से है। मुझे पता है कि वो कभी कभी मून से देखना पसंद करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मून पे रहता है। हमने वान और मुरातो को बार बार जुपिटर प्लेनेट का जिक्र करते देखा है। गारो फाइट देख लो, साइतामा और गारो ने जब पंच किया था तब वो किसी भी प्लेनेट या मून पर ब्लास्ट हो सकते थे, लेकिन वो जुपिटर के मून पर ही पहुंचे। एंड दूसरी चीज जो मैं रियल डिस्कशन में देखता हूँ वो है अर्थ का गॉड। स्पेसिफिकली इस गॉड को हमने एक बार ही देखा था और फिर कभी मेंशन ही नहीं हुआ। एंड ये जो गॉड है ये बहुत ही बड़ा है, एंड एक सेलेस्टियल थीम चल रहा है इसके ऊपर, और ये रॉक से बना है, ना ही ग्रीन पिंक फ्लैश जो कि हमने मून में देखा था, और होमलेस एम्परर के सामने जो गॉड आया था जो कि एकदम ग्रीन कुछ टाइप का ग्रीन था एंड ग्रे भी था, बट ये गॉड वैसा नहीं है। एंड ये गॉड हमें अर्थ के अंदर मिला, एंड सोचने वाली बात है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन इसके ऊपर ही बनाया गया था। एंड और एक बात, ये उदास क्यों बैठा है? एंड मुझे लगता है कि ये दूसरा गॉड है जो अर्थ में रहता है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारा क्वेश्चन है कि इवेल गॉड जुपिटर जैसे क्यों देखता है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में।
द क्यूब। एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ऐसा लगता है कि ये क्यूब्स जुपिटर गॉड के लिए एक तरीका है डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का उन लोगों से जो इन्हें अर्थ पर टच करते हैं। एंड साइतामा और फ्लसिफ्लस को जो क्यूब मिला था वो था अर्थ पर, जो कि जमीन में गड़ा हुआ था। अब सवाल आता है, एक क्यूब इतना डीप अंडरग्राउंड और अर्थ गॉड के पास क्यों था? मेरा थियोरी यह है कि ये क्यूब इन तीन के लिए इंटेंडेड नहीं था, मतलब फ्लसिफ्लस, साइतामा और मोना को। ये ओरिजिनली अर्थ गॉड से कम्युनिकेट करने का तरीका था। साइतामा, फ्लसी और मनाको को विजन क्यों नहीं देखे जैसे दूसरों को दिखता है जब उन्होंने इसे टच किया? मुझे लगता है कि इसका अर्थ गॉड के करीब होने से कुछ लेना देना है। मुझे लगता है अर्थ गॉड की प्रेजेंस या ऑरा कनेक्शन को ब्लॉक या फिर स्लो कर रही थी। ये भी रीजन है क्यू ब्लास्ट इन्हें कलेक्ट करता रहता है। वो नहीं चाहता कि जुपिटर गॉड डायमेंशनल सील के थ्रू स्लीप करके अर्थ पे लैंड करे या फिर गॉडली इम्बर्ड इविल बींग्स बनाए। रेफरेंस के लिए, जब गारो ने अर्थ को इतना जोर से पंच किया था कि उसका एनर्जी इतना ज्यादा था कि पूरी तरह से डायमेंशन को ब्रेक कर देता थोड़ी और ज्यादा जोर लगाता तो। हम कभी कभी देखते हैं गॉड लोगों से क्यूब के थ्रू कम्युनिकेट करता है, उन्हें टेम्प्ट करता है एंड उनके चॉइसेस के बेसिस पर उन्हें अपना अवतार बनाता है अपना गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए। बट ये उसके लिए सील के अराउंड जाने का तरीका है। लेकिन क्यों गारो, साइकोस, होमलेस एम्परर जैसे लोगों को चूज करता है एंड उन्हें वही टाइम पावर क्यों मिलता है? माइथोलॉजीज में, मेनली ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है गॉड्स मॉर्टल को पावर ग्रैंड करता था, जिसके बदले मॉर्टल्स को गॉड्स की सेवा करना पड़ती थी। इन केसेस में गॉड्स उन्हें तब पावर देते थे जब वो अपने लोएस्ट पर होते थे या फिर मरने की कगार पे होते थे, जो माइथोलॉजीज के साथ भी लाइन अप करता है। लेकिन पावर्स के साथ एक कॉस्ट आती थी, तुम अपने सोल डेविल को बेच देते थे इन एक्सचेंज ऑफ ओवरवेलमिंग पावर। एंड पावर पाने के बाद अगर गॉड क्या चाहता था उसको अगर तुम नहीं कर पाए या फिर तुम उसको डिनाई कर देते हो तो गॉड तुम्हारी सोल ले लेता है, जैसा हमने होमलेस एम्परर और गारो के साथ देखा। मुझे लगता है साइकोस ठीक थी क्योंकि उसने डायरेक्ट डील या कम्युनिकेट नहीं किया था गॉड के साथ। ऐसा लगता है कि जैसे उसे गिफ्ट मिला है। अगर ये नहीं है तो वान और मुराता बहुत ही ज्यादा टर्की थे जिसकी वजह से उसको जिंदा रख दिए। मुझे लगता है साइतामा भी इन केसेस में से ही एक है, लेकिन अलग तरीके से। तो वाई क्यू गॉड जुपिटर जैसा दिखता है एंड इसका रीजन क्या है? जुपिटर रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है। रोमन में वो सिर्फ जुपिटर है, ग्रीक में वो ज्यूस है जिसे प्लेनेट जुपिटर के साथ जोड़ा गया है। हाँ, और क्या इंटरेस्टिंग है, रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर या फिर कह सकते हो ज्यूस गॉड ऑफ गॉड्स है, जो मैन गॉड है जो दूसरे गॉड्स पर रूल करते हैं। इन दोनों माइथोलॉजीज में उसे स्काई और थंडर का गॉड माना जाता है। तो जब जुपिटर गॉड गारो को पावर देने आया था तब मुझे पता है तुम सब लोग उसके पैरों पे फोकस कर रहे थे, बट इस पे एक नजर डाल। उसके सारे पैरों के आसपास क्रेजी लुकिंग क्लाउड्स और लाइटनिंग दिखती है। ये एक चीज है जिसमें मैं 100% श्योर हूँ, जो गॉड हम अब तक देख रहे और रोमन या ग्रीक गॉड जुपिटर या फिर ज्यूस पर बेस्ड है और उससे हैवी इंस्पिरेशन ली गई है। तो अगर जुपिटर एक गॉड है या ओपीएम में एक गॉड को रिप्रेजेंट करता है तो लॉजिकली इसका मतलब दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी दूसरे गॉड्स होंगे, जैसे अर्थ। एंड रोमन माइथोलॉजी में इसे टेरा कहा जाता है। टेरा का मतलब लैंड या अर्थ है, जैसे वो लार्ज एंटिटी जो कि अर्थ के अंदर था और रॉक या फिर कह सकते हो अर्थ से बनी थी। शायद दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी ऐसे ही गॉड्स हो जैसे सैटर्न, पर मुझे इसमें उतना यकीन नहीं है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों वो इतना सैड था, पर मेरी दो थियोरीज है। क्यूब्स और मॉन्स्टर एसोसिएशन उसे सप्रेस कर रहे हैं। शायद उसे पता है कि उसने जुपिटर्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट किया जिसकी वजह से वो डरा हुआ है, या फिर उसे पता है कि जुपिटर चाहता है वो सबमिट करे ताकि जुपिटर अपने लोगों पे रूल कर सके। एंड दूसरी थ्योरी जो कि थोड़ी सी डीपर है, वो बस ह्यूमन से अपसेट और सैड है। तुम्हें तो पता ही है आजकल इस धरती में क्या चल रहा है, लोगों से गॉड का विश्वास उड़ चुका है। वायलेंस, मर्डर, पोल्यूशन, फाइटिंग, वॉर्स, शॉर्टकट्स, मैनिपुलेशन, रूडनेस एटसेट्रा, हो सकता है ये सब उसे नीचे ला रहा है, या फिर ह्यूमंस के इविल और गुड एक्ट्स डायरेक्टली गॉड को पावर और कंट्रोल देते हैं और ये ह्यूमैनिटी के चेंज ने इविल गॉड की पावर को बढ़ा दिया है। माइथोलॉजी की तरह जुपिटर गॉड को कंट्रोल चाहिए अर्थ गॉड का, मतलब जुपिटर गॉड अर्थ गॉड को कंट्रोल करना चाहता है एंड उसका धरती को भी, यानी कि अर्थ को और साथ ही साथ क्रिएचर्स को एंड सभी के सभी चीज को जितने भी चीज अर्थ में है। और उसे पता है कि दूसरे प्लैनेट्स पे ना तो ह्यूमंस है ना कोई और लाइफ, या फिर उसने पहले से उन्हें कॉन्कर कर लिया है। शायद वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिव इमोशन से फीड कर रहा है और डायरेक्ट वे से इन्हें और बढ़ा के अपनी पावर और इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी की तरह वो गॉड ऑफ गॉड्स बनना चाहता है, दूसरे गॉड्स पे रूल और पावर चाहिए एंड अर्थ गॉड उसके अगेंस्ट हो गया है।
साइतामा, यही एक वजह है कि मैं मानता हूँ कि साइतामा का कुछ लिंक या कनेक्शन अर्थ गॉड के साथ है, नहीं तो क्यों जुपिटर गॉड साइतामा को द फीस्ट दैट टर्न अगेंस्ट गॉड बोल रहा है। हमने सुना है कि फिजिकल ग्रोथ लिमिट्स जो सब लिविंग थिंग्स पर इम्पोज्ड है वो गॉड ने लगाई है और साइतामा ने वो लिमिट तोड़ दी, इसलिए गॉड उसे जानता है। जबकि मैं जनरली इस थ्योरी से एग्री करता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ है, नहीं तो साइतामा के पास हाइपर स्पेस गेट्स को फिजिकली मैनिपुलेट करने की पावर, सिर्फ गारो को देखकर टाइम को रिवर्स कर देने की पावर, लावा और रेडिएशन के लिए इम्यूनिटी, इंसेंट रेट से एक्सपोनेंशियल स्ट्रेंथ ग्रोथ या फुल इंटरनल इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी कैसे होती, क्योंकि साइतामा के पास पहले से ही गॉड का पावर था, बट ये जुपिटर गॉड का नहीं है, ये अर्थ गॉड का है। क्योंकि देखो, गॉड ने गारो को टाइम ट्रेवल करने की पावर दिया था, बट साइतामा ने उसको एक बार देख के ही पता लगा लिया। सोचने वाली बात नहीं है, जैसे साइकोस को बिना इनिशियल डील किए पावर मिला, मुझे लगता है ठीक वैसा ही साइतामा भी अर्थ गॉड से इफेक्टेड था। मुझे नहीं पता है कि साइतामा ने खुद ने लिमिटर रिमूव किया या फिर अर्थ गॉड ने लिमिटर रिमूव किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे गॉड का पावर मिल चुका है। एंड ये भी सेंस बनाता है जब जुपिटर गॉड ने साइतामा को कहा द फीस्ट दैट हैज टर्न्ड अगेंस्ट गॉड, क्योंकि साइतामा अर्थ गॉड की पावर यूज कर रहा था जुपिटर गॉड का रूल को अपोज करने के लिए। एंड अब सवाल आता है क्यों अर्थ गॉड साइतामा को ही अपना पावर दिया, म्यूमन राइडर को भी तो दे सकता था ना। मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा जब मैं इसके बारे में सोच रहा था। ऐसा लगता है म्यूमन राइडर का इंटेंट साइतामा से भी ज्यादा प्योर है, जबकि साइतामा को डरने की जरूरत नहीं है और रिस्क भी कम है। म्यूमन राइडर किसी भी पॉइंट पे मर सकता है जब वो मोस्ट मॉन्स्टर के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, इसके बावजूद वो फिर भी कोशिश करता है, वो हीरो के टाइटल को परफेक्टली फिट करता है साइतामा से भी ज्यादा, तो उसे क्यों पावर्स नहीं मिला? क्योंकि म्यूमन राइडर का डिजायर फाइट करना नहीं है, उसका डिजायर लोगों की मदद करना है और वो ऑलरेडी ये कर रहा है। वो अपने कम्युनिटी में लोगों की मदद करता है, वॉलंटियर की करता है, पेड़ों से बिल्ली को नीचे उतरता है, जब वो किसी मॉन्स्टर के अगेंस्ट स्टैंड लेता है तो लोगों में होप और जॉय भर जाता है। म्यूमन राइडर का डिजायर ऑलरेडी ग्रांटेड है, उसे और पावर और स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो है जो चाहता है, लोगों की मदद करने की एबिलिटी, इंस्पायर करना, चेंज लाना और एक ट्रू हीरो बनने का, वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है। बट साइतामा वो ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी मदद करता है बट ह्यूमन राइडर जैसा नहीं है। उसे बस इतना चाहिए जितना बेसिक नीड्स के लिए काफी हो। उसका डिजायर था मॉन्स्टर से फाइट करना। जुपिटर गॉड का साइतामा को द फीस्ट कहना एक और मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ साइतामा का फीस्ट नहीं है, एक फीस्ट का सिंबल रेवेलियन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। रेवेलियन का मतलब होगा कि साइतामा और अर्थ गॉड डायरेक्टली उसके रूल को अपोज कर रहा है। एक फीस्ट एक फाइटर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जुपिटर गॉड एक्नोलेज करता है कि साइतामा एक फाइटर है अर्थ के लिए, चूजन बाय टेरा या फिर कह सकते हो अर्थ गॉड टू डिफेंड इट्स पीपल एंड प्लैनेट। साइतामा ने भी कहा था कि अर्थ उसके प्रोटेक्शन में है जब वो सबटेरियंस के अगेंस्ट फाइट कर रहा था अपने ड्रीम में। I never lose. And the surface is guarded by me. Frankly, it's as if there's a god residing in that body. Why is Jupiter god so evil? और क्यों ये ज़ॉम्बी जैसा दिखता है? शायद जुपिटर का गॉड इन्फेक्टेड या करप्टेड है। रिलीजियंस और माइथोलॉजी में गॉड्स को दिखाया जाता है कि वो ह्यूमैनिटी के प्रेयर्स, डिजायर्स और एक्शन पर डिपेंड करते हैं एज ए सोर्स ऑफ पावर। और जैसे जैसे ह्यूमैनिटी के डिजायर्स करप्ट, सेल्फिश, ऑब्सेसिव और इविल हो जाते हैं और ये डिजायर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है जुपिटर के गॉड की तरफ, जिस वजह से जुपिटर के गॉड को एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। एंड ये हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दुनिया कितना घटिया बन चुका है। मतलब जुपिटर गॉड पहले एक अच्छा गॉड था बट लोग अब शैतान बन चुके हैं, दैट्स व्हाई गॉड को ऐसा बना रहा है। एंड जिस वजह से ये पूरे ह्यूमैनिटी को क्लीन करना चाहता है एंड शुरू करना चाहता है एक नया ह्यूमन रेस, नया आर्क। तो यही था आज का थियोरी वीडियो। एंड थैंक यू अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, एंड अगर देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास वाली घंटी को भी दबा दो। एंड कमेंट में ये भी बताना कि ये थियोरी तुम्हें कैसा लगा। एंड ये वाला थियोरी मुझे बहुत ही सही लगा, मतलब अगर ये होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। मतलब हमको पता है कि वन पंच मैन एक पैरोडी एनिमे है, बट अगर ये हुआ तो लिटरली फोड़ देगा सब कुछ। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।